हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सरिंदम घोष, और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां फ्रेंड्स, आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं लेजेंडरी बजाज पल्सर 220F विद बजाज पल्सर RS 200। जी हां फ्रेंड्स, दोनों ही बाइकों में क्या सिमिलैरिटीज है, क्या चेंजेस है, क्या प्राइस है, माइलेज, फीचर, स्पेसिफिकेशन, सबके बारे में बात करेंगे। और वीडियो के एंड तक आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि दोनों में से कौन सा बाइक खरीदना आप लोगों के लिए बेहतर हो सकता है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू SS बजाज कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में रहते हैं, कोई भी आप बजाज की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल आप शोरूम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स भी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को इन दोनों बाइकों मिलने वाली कलर वेरिएंट्स के बारे में बता दूं। सबसे पहले बात हो जानी चाहिए रिलॉन्च्ड लेजेंडरी बजाज पल्सर 220F की। यहां पर फिलहाल आपको दो ही कलर देखने में मिल रही है, रेड विद ब्लैक एंड ब्लू विद ब्लैक। बाकी सिल्वर विद ब्लैक भी कलर शायद मार्केट में अवेलेबल हो सकती है, लेकिन अभी के लिए आपको दो ही कलर यहाँ पर देखने में मिल रहा है। और वैसे ही अगर आप RS 200 पे आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को तीन अवेलेबल कलर देखने में मिल जाती है। ये जो कलर आप लोग देख पा रहे हैं ये है व्हाइट कलर, इसके अलावा आप लोगों को पीटे ग्रे और बंट रेड कलर भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाती है। तो यहाँ पे दो से तीन कलर और यहाँ पर भी तीन कलर आप लोगों को देखने में मिल जाता है। कलर के बारे में बात हो चुकी है, अब अगर मैं आप लोगों को प्राइस बताऊं फ्रेंड्स, तो दोनों में बहुत ज्यादा वैरी करती है। वेस्ट बंगाल में अगर देखा जाए तो लेजेंडरी 220F की जो प्राइस बनती है वो 1,70,000 से लेकर 1,80,000-1,82,000 तक में बनती है। और वहीं अगर आप RS में आ रहे हैं तो इसकी भी प्राइस बहुत ज्यादा वैरी करती है, 2,10,000 से लेकर 2,20,000-2,22,000 तक में आप लोगों को RS 200 देखने में मिल जाएगी। तो आप लोग करीबन मतलब 35,000-40,000 रुपये आप ज्यादा पे कर रहे हैं व्हेन यू आर परचेजिंग RS 200 ओवर 220F। तो चलिए देख लेते हैं कि कितना ज़्यादा वर्दी है अगर आप RS 200 पे जाते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को दोनों की जो फ्रंट लुक है वो बताना चाहूँगा, दोनों की जो की है वो बताना चाहूँगा। यहाँ पर आप लोगों को ये वेव की देखने में मिल जाती है, और सेम वेव की आप लोगों को यहाँ पर 220F में भी देखने को मिल जाती है। एक बार मैं आप लोगों को ये भी दिखाना चाहूँगा, दोनों की हम लोग कर देते हैं ऑन। अब फर्क है फ्रेंड्स, अगर आप लोग दोनों ही बाइक ऑन करते हैं तो सबसे पहले RS 200 में देखिए, यहाँ पर आप लोगों को ये जो पोजीशन लाइट है, आप कह सकते हैं कि DRL वगैरह आप लोगों को यहाँ पर LED में देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर आपको जो पोजीशन लैंप मिल रहा है 220F में, ये आप लोगों को बल्ब की देखने को मिल रही है। ये सबसे बड़ा चेंज है। बाकी यहाँ पर आपको जो लुक देखने को मिल रहा है बिल्कुल एक फेयर्ड लुक है। कंप्लीट बाइक देखिए ढकी हुई है, लेकिन यहाँ पर आप इसको बिकिनी फेयरिंग या फिर आप इसको हाफ फेयरिंग भी कह सकते हैं, जहाँ पर आपको इंजन जो है वो खुली हुई देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर आप इंजन को ऑन करते हैं, एक बार मैं आप लोगों को इंजन ऑन करके बताऊँ, जैसे आप लोग यहाँ पर इंजन को ऑन कर रहे हैं ना, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को जो दोनों यहाँ पर जो प्रोजेक्टर है वो आप लोगों को जलती हुई दिख रही है, लेकिन यहाँ पर देख पा रहे हैं ये बल्ब की है। यही सेम चीज़ अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं फ्रेंड्स, ये पल्सर 220F में, तो यहाँ पर भी एक बार मैं इसको आप लोग को ऑन करके बता दूँ, सेम चीज़ आप लोग को यहाँ पर भी दिख रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रोजेक्टर है वो आप लोगों को बल्ब में ही देखने को मिल रही है। तो क्या डिफरेंस वगैरह है वो मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया। और चलिए अब बात कर लेते हैं अबाउट द टायर्स, और उससे पहले यहाँ पर मडगार्ड के बारे में बात हो जाना चाहिए। दोनों में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो फॉल्स, आप कह सकते हैं कि ये कार्बन फाइबर वाली फिनिश, और दोनों की जो क्वालिटी है काफ़ी तगड़ी है, दोनों ही फाइबर की मिल रही है। टायर्स की जहाँ तक बात है, अगर आप RS में देख रहे हैं तो दोनों ही आप लोग को MRF जैपर की मिलती है, और अगर आप 220F में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को यूरोग्रिप की तरफ से देखने को मिलती है। बाकी अगर यहाँ पर आप अगर ये ट्रेड पैटर्न्स वगैरह देख रहे हैं तो इन दोनों में काफ़ी हद तक आपको चेंज समझ में आती है, और सेक्शन में भी चेंज है फ्रेंड्स। अगर आप RS में देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 100/80 सेक्शन के टायर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जैसे आप 220F में आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये 90/90 सेक्शन की देखने को मिलती है। और दोनों में ही एक चीज़ जो कॉमन है वो है 17 inches की अलॉय व्हील। बाकी ये जो अलॉय व्हील है, ये डिज़ाइन वगैरह देखिए दोनों में ही चेंज है। बाकी दोनों में से किसकी आपको बेहतर लग रही है बिल्कुल नीचे आप कमेंट पे लिखकर बिल्कुल बताइएगा। और सेफ्टी की जहाँ तक बात है फ्रेंड्स, तो RS में यहाँ पर आप लोगों को डुअल चैनल एबीएस बिल्कुल देखने में मिल जाती है, लेकिन अगर आप 220F में देखते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ सिंगल चैनल एबीएस का ही ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और अब अगर आप सामने में ये जो डिस्क है इसके अगर आप कंपैरिजन करते हैं, तो सामने में RS में आप लोगों को 300mm की डिस्क देखने को मिलती है, यहाँ पर 280mm की। और साथ ही यहाँ पर ये प्लस पॉइंट ये है कि ये पेडल डिस्क है, तो मतलब ब्रेक जब आप मतलब प्रेस करते हैं तो हीट जनरेट होती है उसको डिसिपेट करने में, और ज़्यादा एफिशिएंटली ब्रेकिंग करने में पेडल डिस्क ज़्यादा हेल्प करती है। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो वाइब्रेकी कैलिपर है वो यहाँ पर दी गई है, बाकी यहाँ पर जो नॉर्मल कैलिपर यूज़ करी गई है। और सस्पेंशन की अगर आप बात करते हैं फ्रेंड्स, दोनों में ही सेम है, कोई चीज़ नहीं है, रिफ्लेक्टर वगैरह भी दोनों में ही है, और दोनों में आप लोगों को 37mm की जो टेलीस्कोपिक फोक है वो देखने में मिल जाती है। और चलिए अब दोनों की जो पावर हाउस है इंजन उसके बारे में बात कर लेते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा अबाउट 220F, यहाँ पर आप लोगों को 220cc SOSC 2-valve ऑयल कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाती है। बाकी ये काउल वगैरह अगर आप देख रहे हैं फाइबर की, लेकिन क्वालिटी इसकी काफ़ी तगड़ी है,
और डिजाइन वगैरह आप लोग देख पा रहे हैं ये भी आप लोगों को काफी सही देखने में बिल्कुल मिल जाती है। पावर फिगर्स की बात की जाए तो 20.4 पीएस की मैक्स पावर और यहाँ पर आप लोगों को 18.55 न्यूटन मीटर की मैक्स टॉर्क आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाती है। और ये जो क्रैश गार्ड वगैरह है जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं काफी स्टडी क्वालिटी की है वो RS 200 में मिसिंग है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर फुल्ली फेयर्ड बाइक आपको देखने में मिल जाती है। और चलिए अब यहाँ पर RS 200 की बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को 199.5 cc 4 वेल्व लिक्विड कूल फिलेट इंजन मिलती है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या था, 2 वेल्व था और ये ऑयल कूल था, यहाँ पर ये 4 वेल्व है और ये लिक्विड कूल्ड है। बाकी फ्यूल इंजेक्शन दोनों में ही है और DTSI भी दोनों ही बाइक में आपको देखने में मिल जाती है, जो कि डिजिटल ट्विन स्पार्क इग्निशन जो कि बजाज की पेटेंटेड टेक्नोलॉजी आप कह सकते हैं। पावर फिगर्स में फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को 24.5 पीएस की मैक्स पावर देखने को मिलती है, जो कि करीबन आप कह सकते हैं 4 पीएस तक ज़्यादा है व्हेन कंपेयर टू 220F। और यहाँ पर आप लोगों को 18.7 न्यूटन मीटर की टॉर्क भी देखने को मिलती है। टॉर्क दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, यहाँ पर बस 2.2 न्यूटन मीटर टॉर्क यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने में मिल जाती है। और चलिए अब दोनों की जो रेयर सेक्शन है उसको हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, और सबसे पहले मैं आप लोग इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो मैं आप लोगों को बाकी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ग्रंट वाली आवाज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। और चलिए अब जो 220F है उसकी भी आवाज़ मैं आप लोगों को सुना दूँ। बाकी एक चीज़ तो कहना होगा फ्रेंड्स, दोनों की आवाज़ में BCS सेंस तो बनती है, लेकिन ये RS 200 क्योंकि यहाँ पर जो इंजन है काफ़ी हद तक कर सकता है KTM 200 से इसको डिराइव करी गई है, तो यहाँ पर ना वो छोटी आवाज़ मुझे ज़्यादा लगी। बाकी आपको किसकी अच्छी लगी ज़्यादा एग्जॉस्ट साउंड बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर बता सकते हो। और चलिए अब इसकी जो बिल्कुल रियर सेक्शन है उसको हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। पहले इसकी जो लाइट है उसको ऑन कर देते हैं, और फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो टेल लैंप है काफ़ी ज़्यादा विवादित है, बाकी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लगती है। आप लोगों को कैसी लग रही है देखने में बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। यहाँ पर नंबर प्लेट लगाने की जगह ऊपर लाइट जल रही है और नीचे रिफ्लेक्टर भी आपको देखने में मिल जाती है। और यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं टायर हगर वगैरह है, देखिए सामने में भी काफ़ी लंबी है, तो कीचड़ उछलने की कोई भी आपको पॉसिबिलिटी देखने में नहीं मिलेगी। साथ ही मैंने बताया है टायर जैपर की मिल रही है, 130x70 सेक्शन की टायर आप देख सकते हैं, काफ़ी चौड़ी भी आप लोग को ये बिल्कुल देखने में लगेगी। बाकी 17 इंचज के अलावा भी है, डिज़ाइन वगैरह के बारे में आप नीचे बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोग यहाँ पर ये ब्रेकिंग देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो RLP है, साथ ही यहाँ पर आप लोग को डुअल चैनल भी बिल्कुल देखने में मिल जाती है। और ये 230mm की यहाँ पर आपको ये पेट्रोल डिस्क यहाँ पर दोबारा देखने में मिल रही है, बाकी 230mm की डिस्क आपको 220F में भी देखने को मिल जाती है। सस्पेंशन की जहाँ तक बात है आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को ये जो रेड कलर की मोनोशॉक सस्पेंशन है वो यहाँ पर दी गई है। और साथ ही अगर आप इसकी ये लेफ्ट पोर्शन पर देखते हैं फ्रेंड्स, तो ये देखिए ये जो लेग गार्ड या फिर साइड गार्ड कह सकते हैं वो यहाँ पर आपको दी गई है। ओपन चेन सिस्टम है, साथ ही यहाँ पर आप लोगों को साइड स्टैंड दी गई है, मेन स्टैंड यहाँ पर आपको अवेलेबल देखने में नहीं मिलती है। और चलिए अब जो 220F है उसके बारे में थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं। इसकी भी जो रियर सेक्शन है वो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं फ्रेंड्स, यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो देखिए जो लेजेंडरी जो आप लोगों को टेल लैंप देखने को मिलती थी पहले वही आप लोगों को यहां पर देखने में मिल रही है। नंबर प्लेट लगाने की जगह ऊपर लाइट जल रही है, लेकिन हाँ यहां पर वो मतलब टायर हगर वगैरह जैसे कुछ चीजें आप लोगों को यहां पर देखने में नहीं मिलेगी। लेकिन टायर की अगर बात की जाए आप देख सकते हैं ट्रेड पैटर्न काफी हद तक वो मतलब ऑफ रोड को सपोर्ट करते हुए आपको ऐसे फील हो सकता है। और साइज़ की अगर बात की जाए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर थोड़ी सी छोटी है, क्योंकि ये 120x80 सेक्शन के टायर आपको देखने को मिल रही है। और हाँ अगर मैं आप लोगों को इसकी व्हील वगैरह बताऊं तो यहाँ पर भी आपको 17 इंचेस की ही देखने को मिलती है। और यहाँ पर ये जो आप यहाँ पर जो डिस्क देख पा रहे हैं ये पेट्रोल डिस्क नहीं, लेकिन ये भी 230mm की ही है। साथ ही यहाँ पर आप लोगों को ये जो RLP का सेंसर है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और सस्पेंशन देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर एंड्योरेंस के जो डुअल शॉक्स मतलब डुअल स्प्रिंग सस्पेंशन है वही पहले जैसे आती थी वही अभी भी आ रही है। और यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो सेम ही है जैसे आप लोगों ने RS में देखा था, वो ये है इसकी ये साड़ी गार्ड या लेग गार्ड आप कह सकते हैं, दोनों की क्वालिटी काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। और यहाँ पर भी फ्रेंड्स आप लोगों को ओपन चेन सिस्टम ही देखने को मिलती है, तो दोनों ही बाइकों के लिए आप लोगों को चेन पे थोड़ा मतलब मेंटेनेंस पे ध्यान देना होगा ताकि परफॉर्मेंस और लाइफ दोनों ही सही मिले। साइड स्टैंड यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर आपको मेन स्टैंड भी मिल रही है जो RS 200 में मिसिंग है। तो साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी दोनों ही बाइक में मिलती है, जो आप लोगों को ऑन रोड एक्सीडेंट से बहुत हद तक राहत बिल्कुल देती है। और चलिए अब दोनों ही बाइकों के जो डायमेंशन है फ्रेंड्स उसको भी हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। सीट हाइट की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर 220F में आप लोगों को करीबन 795 की देखने को मिलती है, और अगर आप यहाँ पर RS में आ रहे हैं तो करीबन 800 से 810mm तक की यहाँ पर देखने को मिलती है। दोनों में ही स्प्लिट सीट है, लेकिन यहाँ पर ये जो ऊंचाई है ये प्लेन के लिए थोड़ी सी ज़्यादा ही है। बाकी ग्रैब हैंडल आप देख सकते हैं यहाँ पर इंटीग्रेटेड है, लेकिन अगर आप यहाँ पर पल्सर 220F में आ रहे हैं तो ये अलग से यहाँ पर काफ़ी स्टाइलिश वाली स्प्लिट ग्रैब रेल यहाँ पर अलग से दी गई है। और अगर आपके हाइट अराउंड 5'3" तक की है फ्रेंड्स या 5'4" तक की है, दोनों ही बाइक को मैनेज करने में आपको वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कुशनिंग वगैरह ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है,
ऑन द मिड साइड। और अगर मैं टैंक कैपेसिटी के बारे में बताऊं तो 220F में 15 लीटर की मिल रही है, वहीं अगर आप RS में जा रहे हैं तो यहाँ पर 13 लीटर की मिल रही है। और फ्रेंड्स अगर आप माइलेज वगैरह देखते हैं तो क्योंकि RS थोड़ी सी मतलब परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक ज़्यादा बन जाती है तो यहाँ पर भी माइलेज करीब दोनों में ही करीबन मान लिया 35 से 40 किलोमीटर तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी दोनों में से कोई भी BS6 मॉडल अगर आप ओनर हैं बाइक के तो बिल्कुल आप नीचे अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि कितना आपको माइलेज मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस की जहाँ तक बात है फ्रेंड्स तो यहाँ पर बाजी मार जाती है 220F क्योंकि यहाँ पर 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm की, लेकिन RS 200 में आप लोगों को 157 mm की देखने को मिलती है। कर्व वेट में फ्रेंड्स अगर कहा जाए तो 220F में यहाँ पर आप लोगों को 160 किलोग्राम की देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर 166 किलोग्राम की। आप देखिए फ्रेंड्स भले इसकी 6 किलोग्राम वेट ज़्यादा है लेकिन पावर टॉर्क भी यहाँ पर आपको ज़्यादा मिल रही, तो उस हिसाब से परफॉर्मेंस पे यहाँ पर आप लोगों को 220F से यहाँ पर कुछ कमी देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि यहाँ पर परफॉर्मेंस आप लोगों को अच्छी ही देखने को मिलेगी व्हेन कंपेयर टू 220F। और अब चलिए फ्रेंड्स इन दोनों बाइकों की जो मीटर कंसोल और जो हैंडल बार उसको हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। दोनों ही बाइकों में आप लोगों को ये जो मतलब क्लिप ऑन हैंडल बार है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है। क्वालिटी वगैरह दोनों की बहुत सही है। बाकी यहाँ पर ये जो आप टैंक देख रहे हैं ये आप लोगों को फाइबर की मिल रही है, लेकिन नीचे असली जो टैंक है ना वो आप लोगों को मेटल की देखने को मिलती है। यहाँ पर पल्सर की जो 3D लोगो है वो भी देखने में मिल रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये जो क्लच एक्शन है ना मतलब इस ऑन द मिड साइड, बाकी हाँ मतलब असिस्टेंट सिपर क्लच वगैरह तो नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर की को ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर आपको पास साइड की स्विच मिलती है, यह हाई बीम लो बीम का स्विच, टर्न इंडिकेटर्स का स्विच और नीचे हॉर्न। और राइट साइड में अगर आप आते हैं तो ये आप लोगों को यहाँ पर ये जो किल स्विच है वो देखने को मिलता है और नीचे इंजन ऑन करने का स्विच। मैंने आप लोगों को एग्जॉस्ट साउंड ऑलरेडी सुना दिया है। एक बार मैं आप लोगों को इसकी जो मीटर कंसोल है फ्रेंड देखिए कितना ज़्यादा चौड़ी है इसकी मीटर कंसोल, ये एक बार ऑफ करके ऑन करें फ्रेंड्स तो ये देखिए सिग्नेचर स्टेप पूरा एक बार स्वाइप लेती है। ये आप लोगों को यहाँ पर जो फ्यूल के सेंसर है वो आप लोगों को यहाँ पर दिख रही है, बाकी और सारी जो सेंसर्स वगैरह हैं यहाँ पर दिख रही है, न्यूट्रल सेंसर वगैरह। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो साइड स्टैंड है वो लगी हुई तो वो दिख रही है। यहाँ पर सर्विस इंडिकेटर भी आपको दिख रहा है, टाइम यहाँ पर दिख रहा है, स्पीडो ओडो सब आप लोगों को यहाँ पर दिख जाती है। बाकी यहाँ पर अगर आप यहाँ पर ये देखिए ओडो के बाद ये Trip 1 देन Trip 2 में भी आप लोग को ये दिखा देती है। और यहाँ पर टैकोमीटर तो आपको मिल रही है और ABS का सेंसर भी आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो आप हैंडल बार देख रहे हैं बिल्कुल सेम है अगर आप 220F में आते हैं तो। यहाँ पर मैं आप लोग को दोबारा ये चीज़ नहीं बता रहा हूँ, एक बार इसकी जो मीटर कंसोल है फ्रेंड्स उसको भी मैं आप लोग को बता दूँ। अगर मतलब देख लीजिए फ्रेंड्स मतलब हैंडल बार जो बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर स्विच गियर्स की बात कर रहा हूँ, मीटर कंसोल देखिए यहाँ पर भी पूरी तरीके से स्वाइप लेती है, ये तो लाखों दीवाने हैं इसके, अब क्या ही कहना। टैकोमीटर देखिए, देन यहाँ पर आप लोगों को ये ओडो देखने को मिलता है, इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, ओडो वगैरह मतलब कितने किलोमीटर चली हुई है, स्पीडो वगैरह यहाँ पर दिख जाती है। देन अगर आप ये सिलेक्ट बटन का इस्तेमाल करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये जो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी है फॉर Trip 1 Trip 2, देन दोबारा ये ओडो पर यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर फ्यूल का सेंसर भी आप लोगों को दिख जाती है, बाकी ये जो सारी सेंसर है यहाँ पर भी आपको दिखती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पूरी तरीके से हमने दोनों ही बाइक के बारे में मतलब डिस्कशन कर लिया है। अगर आप ये मतलब मिरर वगैरह देखते हैं तो दोनों में आप लोगों को मतलब डिज़ाइन वगैरह तो काफ़ी डिफरेंट है, लेकिन अगर मिरर व्यू अगर आप रियर व्यू की बात करते हैं तो दोनों में काफ़ी सही देखने में मिलती है। और अब जान लेना ज़रूरी है फ्रेंड्स कितनी सारी चीज़ों के बाद आप लोगों को कौन सी बाइक खरीदना ज़्यादा सही महसूस हो सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स अगर आप ये जो बाइक है ना 220F इसका तो क्या ही कहना फ्रेंड्स, लेजेंडरी है, लाखों लोग इसके दीवाने हैं, लेकिन ये जो RS है ना इसकी सेपरेट फैन बेस है। मतलब काफ़ी लोग अभी भी कमेंट करते हैं कि इसमें जो मतलब अपडेट वगैरह है वो कब तक आएगी, मतलब लोग वेट करे बैठे हैं कि इसमें अपडेट कब तक आएगी और वो इस बाइक को खरीदें। तो दोनों की जो फैन बेस है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है। बाकी मैं तो ये कहूँगा फ्रेंड्स कि अगर आपको 200cc में अगर आपकी बजट अराउंड 210 से 220 तक की थी, आपको लिक्विड कूल इंजन चाहिए, मतलब 35 से 40 किलोमीटर माइलेज चाहिए और आपको बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए, डुअल चैनल ABS चाहिए, आपको अच्छी हैंडलिंग भी चाहिए, तो मेरे ख्याल से ये जो बाइक RS 200 ये बेस्ट बाइक है। लेकिन फ्रेंड्स ये जो बाइक आती है ना 220F ये लेजेंडरी बाइक ऐसे ही नहीं है फ्रेंड्स, इसके लुक के तो मतलब कितने दीवाने हैं, मतलब आप बिल्कुल बताइएगा कि ये आपको कितनी बेहतरीन लगती है। बाकी मुझे तो सही लगती है देखने में, इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बढ़िया है। अगर आप देखिए फ्रेंड्स आप इससे आप कंपेयर करेंगे तो उतनी बेहतरीन आपको नहीं मिलेगी, लेकिन आप कह सकते हैं कि कंपेरेबल है, अच्छा परफॉर्मेंस देती है, हैंडलिंग इसकी गजब है, लुक इसकी बहुत सही है, माइलेज भी आपको अच्छा देती है और मेंटेनेंस वगैरह में भी बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता, इसीलिए तो फ्रेंड्स ये मतलब सालों साल चली आ रही है। बीच में कंपनीज को डिसकंटिन्यू भी किया, लेकिन फिर से ऑन पब्लिक डिमांड कंपनीज को दोबारा मार्केट पे लॉन्च भी किया, तो इसी से आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा फेमस है ये मार्केट में। बाकी ये था फ्रेंड्स मेरा वर्डिक्ट अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन दीज टू बाइक्स। आप लोग बिल्कुल बताइएगा दोनों में से आपको कौन सा बाइक खरीदना ज़्यादा सेंसिबल लगता है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना प्लीज मत भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।